लेकिन ये मौजूदा हुकूमत ऐसी है कि इसकी कोई भी पॉलिसी आज तक ऐसी सामने नहीं आई जो कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान की आवाम के मुफाद में हो। जो काम करेंगे पता नहीं क्या सोच समझ के करते हैं, ये उल्टा ही पड़ता है और पाकिस्तान की आवाम मजीद बदहाल होती है। आप देख लीजिए ये जनरेटर चल रहा है, हमारे पीछे बिजली की उम्मीद कोई नहीं, गैस पता नहीं कहाँ जाती है, चूल्हे तो नहीं चलते उसमें, ना फैक्ट्रियां चलती हैं, ना सीएनजी चलती है, गैस जाती कहाँ है, कोई चीज तो चले। चलो सीएनजी नहीं चलती तो घर में चूल्हा तो चले, घर में चूल्हा नहीं चलना तो फैक्ट्रियां तो चले, लेकिन ये अजीब हुकूमत है कि इसके दौर में कोई चीज भी नहीं चलती। बिजली है, मैं आज भी दावे से कहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान 17,000 मेगावाट बनाने की सलाहियत रखता है, लेकिन आज से 8,000 मेगावाट बिजली पैदा नहीं हो रही। क्या वजह है? सिर्फ नालायकी और नाअहली और करप्शन, ये तीन वजूहत है जिनकी वजह से बिजली के होते हुए हम आवाम तक नहीं पहुंचा सकते। कहते हैं सर्कुलर डेट, अरे भाई सर्कुलर डेट भी तो आपने ही पैदा किया, ऊपर से तो नहीं आया, आप ही का कसूर है। अगर आप ये जो प्राइवेट पार्टी बिजली बनाती है उनको उनका बिल नहीं देंगे तो वो तेल कहाँ से लेंगे, और वो तेल नहीं लेंगे तो बिजली कहाँ से बनेगी, ये प्रॉब्लम हो रही है सबसे। को हमारे से बिल ले लेते हैं, बिजली नहीं आती लेकिन बिल ले लेते हैं, लेकिन उनको नहीं देते। तो मेरे भाइयों ये एक मिसाल दी है मैंने, गैस मुल्क में है अभी 15-20 साल के लिए काफी है और उतनी देर में बाहर से भी आ जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पाइपलाइन छोटी है, नई पाइपलाइन डालने की सलाहियत इनमें नहीं है। एक और पाइप डाल जाए सुई से लेके और इधर से अटक से लेके इधर तक तो गैस ही गैस है, और 20 साल तक है, और 20 साल में गैस बहुत दुनिया के मुल्कों से इधर आ सकती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इनमें ना कोई मनसूबा बनाने की सलाहियत है, ना इनमें कोई मेहनत करने की सलाहियत है। पैसा बनाओ, वो क्या था वो लफ्ज़ जो हमारे एक दोस्त होते थे शाहिद हुसैन साहब, उन्होंने एक दफा टीवी पे कहा था कि इनका फॉर्मूला तो है कि लुटो पे फुटो। प्रॉब्लम ये है कि लूट तो लिया हूं फुटो दी वारी है, छेती फुटो पे कोई मुल्क का काम बने। तो मेरे भाइयों मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा था। अब ये देखिए ये जो मेमो गेट का स्कैंडल है, एक गवाह आना था अमेरिका से, वल्ला आलम वो सच्चा था झूठा था वो तो सामने आए तो पता चले ना, इस उसको इतना डराया उसको इतना धमकाया कि वो ये कहता है कि मैं तो जनाब पाकिस्तानी नहीं हूं, मुझे आने की क्या जरूरत है इधर गालियां खाने के लिए। वो आता कोई सच बोलता झूठ बोलता, कोई पता चलता कि दुनिया में क्या किया है उन्होंने या क्या नहीं किया, उसको इतना डरा दिया कि वो आने से इनकार कर दिया। ये जो एनआरओ केस है, जान बूझ कर ये इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। क्या मेरे एसएमएस आने शुरू हो गए? वैसे मुझे कहना है, मैं एसएमएस नहीं पड़ेगा, कोई नहीं पड़ेगा।